वेलकम ऑल द व्यूअर्स ऑफ खुल के बोल। और आज हम लोग सरधना नगर पालिका परिषद में मौजूद है और इस वक्त एक कैंडिडेट है जो लगातार जनसंपर्क में है। और सबसे अहम बात हमारे हिंदुस्तान की सियासत की है कि ग्राउंड पे जो लोग उतरते हैं आज उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और बात करने का प्रयास करते हैं चूंकि इस वक्त जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी एक मेला है और इससे बड़ा कोई माहौल हो नहीं सकता। वेलकम सर जी, बताइए इस वक्त आप इस थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है, लगातार जनसंपर्क में है, किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर नगर पालिका परिषद में? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है वो रेल का इंजन है और भाईचारे का संदेश दे रहा है, क्योंकि ये डिब्बे जो हैं ये हर बिरादरी हर जाति को जोड़ कर चलने वाला संदेश है। और हम आने वाले जो ये चुनाव है उसमें मेन मुद्दा अपना विकास का और युवाओं के लिए उसमें शिक्षा का और सरधना नगर पालिका में जितने भी ये जैसे कि जल भराव की समस्या है उसका सबका निस्तारण करने का। लेकिन अभी आपने कहा कि हमारा मुद्दा शिक्षा है, शिक्षा तो हिंदुस्तानी सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं है, फिर आप कैसे उठाएंगे? हम शिक्षा के लिए हम अपनी तरफ से एक कमेटी बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और नगर पालिका से जितने भी हमारे जो गरीब आवाम के लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चे हम नगर पालिका से उन्हें फ्री शिक्षा दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, इस बार जो वोटर्स है और कैंडिडेट है दोनों के बीच तालमेल में हमने बहुत कमी नजर आई है, इस सरजमी पे कैसा तालमेल आपको नजर आया? अल्लाह का शुक्र है, आप सरधना में आए हो, आपने सरधना का माहौल भी देखा होगा, सबसे ज्यादा प्यार और दुआओं से नवाजा जा रहा है और अल्लाह करम है। बंटी आप ही कसम ले ली जी, बंटी मुझे हम अपने दर्शकों को बता दे, हमने ग्राउंड पे 3 घंटे हो चुके हैं, लगातार ग्राउंड पे रहे और 80% लोगों ने बंटी का जिक्र किया, हम कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहे, हमें समझ नहीं आया बंटी कौन है, एक बार फिर बताइए पूरा नाम अपना। मेरा नाम शाहरुख बंटी, हमारी वालदा चुनाव में है तनवीर आलिफ। अच्छा, ग्राउंड पे जो हमें निकला है कहीं ना कहीं आपकी आपके लिए वोटर्स में जज्बा है, एक जोश है, कोई भी जोश और जज्बा तब बनता है जब कहीं ना कहीं सोशलिज्म साथ साथ चलता है, बैकग्राउंड बताइए आप सोशलिज्म क्या रहा? हमारा अभी कुछ लोग और हमसे जुड़े उनसे भी बात करते हैं, बताइए जो असली मुद्दे हैं और मेन इश्यूज क्या है यहाँ पर? देखिए मुद्दे तो सबसे ज्यादा विकास को लेकर है और मूल सुविधा जो पब्लिक को मिलनी चाहिए जिसकी यहाँ पर जरूरत है। हमारे यहाँ देखने को मिला है कई हादसे ऐसे हुए हैं कि किसी की फैक्ट्री में, किसी की शॉप में, किसी के घर में आग लग गई और मेरठ से फायर ब्रिगेड को आने में घंटों लग गए, इतने में उनका जलकर जो है लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया और वो आज जो है उनके घर में जो है बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना वो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वादे किए थे कि हम लोग जो है जब चेयरमैन बनेंगे और हम फायर ब्रिगेड का स्टेशन यहाँ बनाएंगे, ज़मीनें हमारे पास बहुत थी लेकिन उस चीज़ पर कोई काम नहीं किया गया, सफाई व्यवस्था ये सब चीज़ें तो एक सभासद भी करा देता है। देखिए मूल सुविधा इनके परिवार, ये जो बंटी और शाहरुख बंटी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके परिवार ने एक सरधना को एक डिग्री कॉलेज भी दिया है जी, और इनके परिवार ने 25 साल चेयरमैनी भी की है, एमएलए भी रहे हैं, इनके समय में कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम या कोई भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ। जैसे ही ये हमारे दूसरे लोग चुनाव में आए और जीते, 2004 का दंगा हमें देखने को मिला था, उसकी भरपाई करने के लिए चुनाव जीतने का मकसद नहीं है, चुनाव जिताने का काम तो अल्लाह का है और सब लोग जितने हैं ये सब जिताने के लिए यहाँ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भाईचारा दोबारा से कायम रहे और जो परिवार से लोग छूट गए थे उस परिवार से फिर जुड़ जाएं। मेरा नाम सैयद मुमताज़ अली है, मैं सरधना रियासत से प्रधान भी रहा हूँ और मैं सभासद भी रहा हूँ पीरजाद गान वार्ड से 24 से। आप भी कुछ कहना चाहें? हम तो बस यही कहना चाहेंगे जो है, हम मेरा नाम शैंकी चौधरी है और हम बंटी भाई के साथ दिल से हैं। मेरा नाम प्रज्वल त्यागी है और ये हमारे बंटी भैया हैं कि माता जी जो चुनाव लड़ रही हैं सरधना नगर पालिका से अध्यक्ष पद हेतु। देखिए जैसा कि आप सबने हमारे प्रत्याशी बंटी भाई ने बताया, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, बंटी भाई से आपने बात करी, इन्होंने कोई जात की पात की कोई धर्म की बात नहीं करी, हमें सबका सहयोग मिल रहा है और प्रत्याशियों ने 15-20 सालों से हमारे सरधना में धर्म की जात की पात की बिरादरी के अंदर वो चुनाव लड़ते हैं और इसमें वो अपना कारोबार चला लेते हैं, इसमें हमारी जनता 15-20 साल से बहुत परेशान है, एक जहरीला माहौल उन्होंने सरधना के अंदर कायम कर रखा है। हमारा कहना सिर्फ ये है आपके सरधना नगर वासियों से कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो अंजाम फिर जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारा सरधना नगर नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, हमारा सरधना
नगर नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और बड़ी अहम बात यहाँ पर निकल के आई है, अभी वापस आते हैं। मैं अपने दर्शकों को स्पेशली, नफरतें फैलाते हैं लेकिन हम पूरे वेस्ट यूपी में घूमे हैं, नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों में घूमे हैं, हर जगह घूमने के बाद हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि ग्राउंड पे चलता हर आदमी, ग्राउंड पे चलता हर एक शख्स नफरत नहीं चाहता, ना वो नफरत की सियासत चाहता, वो चाहता है कि अमन रहे, अमन अमान रहे, भाईचारा रहे। आप भी कहिए क्या कहना चाहते। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे सरदने में पीछे एक हफ्ते में करीब 3-4 हादसे हुए हैं, उसमें अभी तक 15-20 साल से जो हमारे चेयरमैन साहब रहे हैं उन्होंने आज तक 15 साल में एक एम्बुलेंस तक नहीं दिखाई। क्या नाम है उनका? जो है निजाम अंसारी साहब हैं, उन्होंने आज तक 15 साल में एक एम्बुलेंस सरदरा को नहीं दे पाए, और जबकि इतने लोग परेशान थे कि 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस का वेट करते रहे और एम्बुलेंस नहीं आई। अभी पीछे एक हादसा हो गया था, बंटी भाई ने अपनी पर्सनल गाड़ी में उस पेशेंट को मेरठ भिजवाया, लेकिन आज तक भी कोई एम्बुलेंस नहीं आई सरदने के अंदर। देखिए पर्सनल बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए, लेकिन ये है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं पिछले चेयरमैनों से, यहाँ पे जरा सी बारिश पड़ जाती है और पानी इतना भर जाता है वो पानी भी नहीं निकल पाता। तो है आपको लगता है इस बार जो अगर इनको नगर अध्यक्ष बनाया गया तो ये आपकी सारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल, मैं 10 साल से बंटी भाई को जानता हूँ और बंटी भाई बहुत मददगार आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं। ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है, पिछले 15 साल से जो भाईचारा खत्म हो चुका था ये उस भाईचारे को दोबारा से बनाने का चुनाव है। बंटी भाई इसमें सबसे आगे हैं और रेस में भी सबसे आगे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरे कैंडिडेट ने यहाँ जातिवाद का जहर घोल दिया, विकास करा नहीं बल्कि भाइयों का भाइयों से दिल जुदा कर दिए, एक अजीब कहानी पैदा कर दी। इस चुनाव में तमाम हिंदू मुसलमान भाई भाई मिलकर मोहतरमा हज्जन तनवीर आरिफ साहब को मजबूत कर रही हैं और सरदने के विकास के लिए, सरदने के विश्वास के लिए, भरोसे के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम निखिल चौधरी है और हम बंटी भाई के साथ दिल से और जान से दोनों से। कौन कहता है यहाँ पर सरदना में विकास हुआ? बताओ, सरदना में विकास होता भी पीछे बारिश पड़ी थी, पूरे सरदना में पानी भरा हुआ था पूरे सरदना में। ये हमारे सरदना की खूबसूरती है कि सर्व समाज हमारे साथ है, इसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और कैमरामैन साहब सब पे कैमरा लगाइए, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पिछला चुनाव हमने पूर्व चेयरमैन को ही लड़वाया था और हमने एक लाइट के लिए गोमती नगर के कोने पे एक लाइट के लिए कहा, आज 5-5.5 साल हो गए, आज तक वो लाइट नहीं लगी, पूरा गोमती नगर का इलाका अंधेरे में पड़ा है, नाले की पटरी पूरा। जब एक मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख कुरैशी है, ये जो बंटी भाई लड़ रहे हैं ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये कोई किसी चीज की वजह से नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ खिदमत की वजह से लड़ रहे हैं। और बचपन से ये मेरे से यही कहता था कि कुछ करना है सरदने के लिए, कुछ करना है औरों के लिए भी कुछ करना है, ये अच्छा है और किसी चीज का कोई लोभ लालच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, नाम भी है सब कुछ है, ये लोगों की खिदमत के लिए खड़े हैं। तो ये भाई यहाँ के निवासी है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं जुलेडा रोड का निवासी हूँ। देखिए हमारी तो सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ मच्छरों की और गंदगी की है, ये आज तक किसी से दूर नहीं हो पाई और हमारे बंटी भाई जो हैं ये युवा नेता हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे सरदने का विकास हो और इसी के लिए हम सब इनके साथ हैं। और वैसे तो एक लंबा टाइम हो चुका है बात, ये शाहरुख बंटी जो है हमारे यहाँ के सभासद भी हैं, लॉकडाउन में गरीबों को पूरे सरदने में उनके साथ रहा, इन्होंने फुल मदद करी, बीमार जैसे उनको हर तरह की दवाई दारू हर तरीके की मदद दी, खाने पीने की कोई सुविधा थी वो भी पूरी करी, लड़कियों की शादी के लिए भी जो कोई दिक्कत थी उन्हें भी पैसे दिए, कोई दिक्कत नहीं थी किसी बात की भी। और जी अल्लाह तुम्हारा भला। और ये जितने भी लोग, मेरा नाम अभय गोस्वामी है और हम बंटी भाई के साथ है, फुल सपोर्ट है, हिंदू मुस्लिम कोई इसमें बिरादरी, सब बिरादरी एक है, सारी जाति एक है, हिंदू एकता सब बंटी भाई के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ बंटी भाई हमारे यहाँ के सभासद रहे हैं 5 साल, जितना विकास उन्होंने कराया, मेंबर तो हमने बहुत देखे हैं इनके जैसे मेंबर, अभी लोग हमारे सामने कोई आए नहीं जैसे इन्होंने काम कराया, अपने तो वार्ड का कराया है दूसरों का भी वार्ड का कराया है, 25 वार्डों का काम कराया इन्होंने। और ये देखिए एक मासूम सा बच्चा जो शायद पहली बार अपना वोट डालने जा रहा है, और ये देखिए कि बहुत खूबसूरत तरीके से कुछ और जी। चाचा बताइए आप भी क्या कहना चाहेंगे इस बार, किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट का मतलब मालूम ना कि कौन है यहाँ आपका, मतलब चूंकि वक्त बहुत कम है, नहीं कैसा माहौल लगता है यहाँ पर, किसको होना चाहिए आपके हिसाब से?
जब हम किसी को जानते ना जी, हम क्या मान बताए। हम तो विकास चाहते हैं, सरदना में विकास की लहर बहनी चाहिए। देखो हमारा सरदना काफी पिछड़ चुका है, सफाई के लिहाज से भी और हर तरह से वो होना चाहिए, जिसके लिए हम सारे युवा तैयार हैं। आप भी कुछ कहते हैं? हाँ जी, बस कहते हैं ये राजनीति परिवार है, 70-80 साल से राजनीति में रहे हैं और ये सबकी सेवा करते आ रहे हैं और सेवा ही करते रहेंगे। सेवा में इन्होंने कोई किसी के कभी कमी नहीं रखी है और ये यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी है। और बंटी के ये जो समर्थक है, जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, ये जन सैलाब वोट में कैसे तब्दील होता है ये तो आने वाली 10 तारीख में मालूम होगा। तब तक के लिए 11 तारीख में मालूम होगा। बने रहिए खुल के बोल में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर दीपक और निसार मलिक के साथ विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।